विदिशा में व्यापारी के साथ 14 लाख 30 हजार की लूट के बदमाशों को 5 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार देर शाम पुलिस लाइन कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदिशा एसपी मोनिका शुक्ला ने मामले की जानकारी दी। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,90,000 रुपये बरामद किए गए हैं। वहीं वारदात में शामिल अन्य 4 लोगों की तलाश की जा रही है। 10 मई को इंडस्ट्रियल एरिया में एक मुनीम आशीष वर्मन बैंक से पैसे निकाल के अपने कार्यालय जा रहा था, तो उसके पास 10,30,000 रुपये थे, उसकी 2-व्हीलर में आगे रखे थे, तो 2 अज्ञात नकाबपोश द्वारा वो बैग छीन कर ले गए थे। इस पे से पुलिस ने तत्काल अपराध कायम किया। हम सभी लोग घटनास्थल पहुँचे, पूछताछ हुई और पूछताछ करके हमने 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है, सोनू, अरुण और महेंद्र। इसमें सोनू और अरुण द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी, उन्होंने महेंद्र जो कि गुना का निवासी है उससे ये पूरी स्कीम बताई कि जो मुनीम है आशीष वर्मन, ये इतने बजे यहाँ से निकलता है फैक्ट्री से, इतने बजे बैंक से आता है, उसको सूचना दी। तो महेंद्र 4 लोगों को, अपने परिचित लोगों को गुना से उसने हायर किया, वो लोग 2 मोटरसाइकिल पर आए और इसका बैग छीन कर ले गए। अभी तक हमको 1,90,000 रुपये हमारे बरामद हो चुके हैं। 3 आरोपी हमने रिमांड पे लिए हैं। पुलिस की टीम 2-3 जगह जा चुकी है, जो संभावित आरोपी हैं उनके घरों की भी हमने तलाशी की है, अभी हमें मिले नहीं है, मगर खोजबीन जारी है और हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। मेरे द्वारा इसमें 5,000 का इनाम दिया गया था, जो हमारी टीम, कुछ टीम के मेंबर यहाँ खड़े हैं, उन सभी टीम के सदस्यों को दिया जाएगा। मैम, इसमें जो सोनू और अरुण का नाम आ रहा है, ये पहले से प्लानिंग करके बैठे थे, ये हैं कौन? सोनू और अरुण उसी फर्म में काम करते हैं जिसमें ये घटना हुई है, और उनके द्वारा जो आशीष वर्मन है इसकी पूरी गतिविधि पे निगाह रखी जा रही थी, और इन्होंने 9 तारीख को भी इस घटना को करने का प्रयास किया था जो हो नहीं पाई है, फिर उन्होंने 10 तारीख को इस घटना को किया। इस घटना के खुलासे में सीसीटीवी फुटेज कितने कारगर साबित रहे, क्योंकि कई जगह कैमरे अभी भी बंद है? इस घटना को हमने पूछताछ के द्वारा किया है, मगर इनके साक्ष्य के रूप में हम जो फुटेज हमें मिल सकेंगे वो हम यूज़ करेंगे, ताकि न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इन प्रयोग किए जा सके। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।